हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आई हूँ ये um, uh, मैं वीडियो की शुरुआत में बता देती हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके छोटे बच्चे हैं टॉडलर्स आई विल सी फ्रॉम एज टिल फाइव टू सिक्स इयर्स वाले बच्चे भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं uh, ये दोनों सेम पब्लिकेशन uh, से है सेम पब्लिशर से है दैट इज़ ओम पब्लिशर्स एंड हेयर इज़ द नेम इट्स ओम किड्स एंड इम्प्रिंट ऑफ ओम बुक्स इंटरनेशनल एंड मैंने पहले जो uh, इनमें से खरीदी थी इस uh, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ करी है एंड इनकी एम आर पी अगर आप देखेंगे इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पर बुक आई uh, थिंक मुझे ये डिस्काउंट में अराउंड एटी या नाइन्टी की मिली है एंड um, uh, मैंने पहले जो मंगाई थी वो थी द थर्स्टी क्रो एंड मैंने जब ये uh, मुझे रिसीव हुई तो आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ द पेपर द बाइंडिंग थोड़ा सा मेरे बेटे ने अभी बहुत ज़्यादा ये वाली ही रियली लवस दिस वन तो ये थोड़ी सी uh, मैंने कवर नहीं चढ़ाया तो थोड़े सा यू नो खराब हो गई है एंड दिस इज़ द न्यू वन द फॉक्स एंड द ग्रेप्स एक्चुअली एज अ पेरेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि थर्सटी क्रो इंट्रोड्यूस करने से पहले आप द फॉक्स एंड द क्रीप्स करें बिकॉज दिस वन इज अ सिंपलर एज ग्रुप सेम है लेकिन स्टोरी वाइज फ्रॉम स्कूल स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ द फॉक्स एंड द ग्रेप्स बच्चों को ईजीली समझ में आती है एंड uh, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ तो क्वालिटी आप फॉन्ट देख सकते हैं कितना बड़ा है बहुत सिंपल वर्ड्स हैं नथिंग टू फैंसी द इंग्लिश द बुक ऐप बहुत अच्छी है अगर आप यू you नो know, आपका बच्चा अगर फाइव टू सिक्स भी है तो ही कैन ही और शी कैन ट्राई एंड रीड इट एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली टेन पेजेस होंगे एंड द इलास्ट्रेशन आर ब्यूटिफुल इसका बेस्ट पार्ट है इलास्ट्रेशन क्योंकि अगर आपके थ्री टू फोर बच्चे भी हैं तो भी यू uh, नो you know, um, Uh, हो सकता है आपकी बेटी या आपका बेटा यू uh, नो you know, अभी पढ़ नहीं पाते हैं बट विद द हेल्प ऑफ इलास्ट्रेशंस यू नो आप उनको uh, समझा सकते हैं वट एवर योर मदर टंग इज़ हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है स्टोरी में एंड दिल फाइंड इट इंटरेस्टिंग सीधे इलस्ट्रेशंस द कलर द क्वालिटी ऑफ द पेज इज़ वेरी गुड आपको कुछ नहीं करना है आप सीधे डाल सकते हैं अमेजोन पे सर्च में द फॉक्स एंड द क्रेब्स और इसमें और भी हैं इसमें आई एम नॉट टू श्योर इट दे मैंशन द नेम्स हेयर आई थिंक इसमें सिक्स ये मेरे बेटे ने ड्रॉ करा है यहाँ पे। आई थिंक इसमें सिक्स बुक्स हैं आप उनका सेट भी मंगवा सकते हैं ऑल सिक्स ऑफ दैम एंड uh, अगर आप चाहते हैं तो आप एक से स्टार्ट कर लीजिए स्टार्ट विद द फॉक्स इन द क्रेव्स एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट फॉलो विद एनी ऑफ दोज जो भी आपको अच्छा लगता uh, है एक एंड एंड द डव है द डव एंड दी एंट वो भी बहुत अच्छी है आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट वन दैट आई एम प्लानिंग टू बाई और आप अमेज़ोन से कर सकते और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये मैंने अपने बेटे के लिए ख़रीदा था एंड आई रियली लाइक डिट सो आई थाट कि मैं एक बार इसका रिव्यू करती हूँ अगर किसी पेरेंट को इंटरेस्ट होगा तो वो ले सकते हैं एंड यहाँ पे एक छोटी सी हुई है अब द स्टोरी इज़ अबाउट एंड देर इज़ अ लर्र्निंग हर स्टोरी में देर इज़ ए लर्निंग तो ये बहुत अच्छा एक है द फैबलिस फेबल्स वेरी नाइस आप इसको ज़रूर लीजिए एंड आपके बच्चे बहुत खुश होंगे इसको पढ़कर इवन इफ दे आर नॉट एबल टू रीड द इलास्ट्रेशन आर सो ब्यूटिफुल एक बार दर्स्टिक्रो की भी मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए भाई मैं, मैंने इसको कवर नहीं किया था तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है एक्चुअली फट गई थी तो मैंने उसको स्टिक uh, किया है पर आई वुड रिकमेंड कि आप एक चाहे पतला वाला जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है एक बार आप ज़रूर कलर उसको कवर कर दे सॉरी एंड सी द इलास्ट्रेशन आर वेरी नाइस कलर जो यूज़ किए हैं बहुत अच्छे हैं